मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से तीन और बच्चों की जान चली गई है। देर रात तीन और बच्चों की चमकी बुखार से मौत हुई। मुजफ्फरपुर में चार और बच्चे अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं। कुल 81 बच्चों का इलाज चल रहा है। इलाज जनवरी से अब तक, हम आपको बता दें कि इस पूरे बीमारी को लेकर मुजफ्फरपुर में ही केवल 36 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो जनवरी से लेकर अब तक का यह आंकड़ा है 36 बच्चों का। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, दो चार दिनों से लगातार बच्चों की मौत का सिलसिला वहां पर जारी है और इसके वजह से वहां पर परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है। अस्पताल अलर्ट मोड पर है SKMCH, लेकिन फिलहाल कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। और चमकी को लेकर, AES को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, इसके लिए हम सीधे रुख करते हैं मुजफ्फरपुर, जहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अरुण श्रीवास्तव। अरुण, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी सबसे पहले मैं अपडेट कर दूं कि मुजफ्फरपुर में रात में SKMCH में चार बच्चे और आए हैं और कुल तीन बच्चों की मौत हुई है रात में। तो कहा जा सकता है कि 33 जो आंकड़ा था मौत का, वो अब 36 पहुंच चुका है और लगातार मरीजों का आना जारी रहा देर रात तक। और देर रात से एक चीज़ सामने आई है कि मौसम थोड़ा जो है ठंड हुआ, हवाएँ चली, उसके बाद अगले सुबह जो कल देखने को मिला था, कल सुबह से ले कर शाम तक जो है मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। 20 मरीज आए थे, वो मरीजों की संख्या जो है आज कम देखने को मिल रही है। अगले सुबह अभी कोई मरीज नहीं आया है। ये एक खुशी की बात है उन माओं के लिए जिनके बच्चे जो है लगातार इस बीमारी के चपेट में आकर मरते रहे हैं। बिल्कुल अरुण, जाहिर सी बात है कि एक तरफ लगातार वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ सामने आई है और बच्चे, लगातार बच्चों की जान जा रही है और प्रशासन के इस वक्त हाथ पाँव फूले हुए हैं। अरुण, लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये AES या चमकी बुखार क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? जी, बहुत बड़ा सवाल ये है। AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और हाइपोग्लाइसेमिया कहा जा रहा है। हाइपोग्लाइसेमिया जो है, सीधे तौर पर कहा जाए तो ब्लड शुगर का जो लेवल कम होता है उसे कहा जा रहा है, जो मेडिकल साइंस में कहा जाता है। 2012 में जब बड़े संख्या में बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद 2015 में काफ़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई थी। डाउन हो जाना, वोमिटिंग होना या फिर जो है चमकी, तो जिस तरह का जो सिम्टम पाए जाते हैं उसके आधार पर ये ट्रीटमेंट की एक प्रोटोकॉल बनाया गया था। लेकिन अब स्थिति ये है कि इस वर्ष जिला प्रशासन हो या सरकार हो, ये मानने को तैयार नहीं है कि ये बच्चों का जो मौत हो रहा है लगातार, वो किस कारण से हो रहा है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के लिए भी दावे किए गए थे, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि अब जो है मरीजों को बचा लिया जाएगा, टीकाकरण हुआ था। जी हाँ, इंसेफ्लाइटिस का टीकाकरण हुआ था और इंसेफ्लाइटिस के टीकाकरण के बाद इसमें कोई दो मत नहीं है कि मौत की संख्याएं कम हुई थी। उसके पीछे ये रीजन नहीं है, माना जा सकता है कि टीकाकरण के लिए जो है मौत की संख्याएं कम हुई थी या बच्चे बीमार कम पड़े थे। सीधे तौर पर जो मौसम जो गर्म होता है, तपिश के साथ जो धूप होती है, उस बीच जो है हुमस बढ़ती है, हुमस के कारण जो है ये मौतें होती रही। पिछले कुछ वर्षों में जो है गर्मी के मौसम में रुक रुक कर बरसात होता रहा, बारिश होती रही, लेकिन इस बार जो है बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, जिस कारण से ये तपिश जो है बच्चों का मौत का कारण बनता जा रहा है। बिल्कुल अरुण, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक तरफ बच्चे परेशान हैं, परिवार वाले परेशान हैं, बच्चों की लगातार जान जा रही है। मुजफ्फरपुर ही चमकी बुखार की चपेट में सबसे ज़्यादा क्यों है? अरुण, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, 1994 में मुजफ्फरपुर में चमकी और बुखार के मरीज सामने आए थे। उस वक्त मुजफ्फरपुर का एक मुसहरी प्रखंड है, उस इलाके में ये बीमारी सामने आई थी। उसके बाद लगातार 2008 से लेकर 2017 तक जो है मरीजों की संख्या बढ़ती गई। उसके पीछे मुजफ्फरपुर का जो रेडियस में जो इलाका है, जैसे शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, इन इलाकों से मरीज आते रहे। वैशाली जिला का जो मुजफ्फरपुर से सटा हुआ इलाका है, वहाँ से मरीज आते रहे। एक बहुत बड़ा सवाल है, गर्मी और हुमस तो पूरे बिहार में है, आखिर सिर्फ मुजफ्फरपुर में ये बीमारी क्यों आती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और रिसर्च आज तक नहीं हुआ है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जब नाम दिया गया, उसका इलाज नहीं हुआ और न ही उसका आज तक ये तफ्तीश कर पाई जो यहाँ के स्वास्थ्य महकमा है कि आखिर ये
बीमारी क्यों होती है, अब नया नाम जो दिया गया है इसमें भी अभी तक आखिर अगर हाइपोग्लाइसेमिया है तो क्यों है, किस कारण से है, ये जो है डॉक्टर को ही पता करना है या सरकार को इसके लिए रिसर्च करना है, लेकिन अभी तक रिसर्च नहीं हो पाया है और मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल अरुण।